हाय और उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे खैरियत से। आज की वीडियो है ऑयलिंग के बारे में कि हम अपनी मशीन को ऑयलिंग करने के लिए कौन सा ऑयल यूज करें। क्योंकि बिगनर्स होते हैं वो जब सिंगर की मशीन लेते हैं वो होते हैं कंफ्यूज कि सिंगर की मशीन को ऑयलिंग करने के लिए एक स्पेशल से ऑयल होगा, हमें वही यूज करना होगा। जो मार्केट से मिल रहे होते हैं वो इनको लेते हुए काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि इनको ऑयलिंग ही नहीं करते, इनका शायद हमें स्पेशली ऑयल मिलेगा तो हम ऑयलिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगर की मशीन का ऑयल बहुत कम आपको मार्केट मिलेगा, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। हाँ, जो बड़े शहर हैं उनमें शायद आपको इजीली अवेलेबल हो, लेकिन नॉर्मल जो कि स्मॉल सिटीज होंगे उनमें आपको नहीं मिलेगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो आज आपकी ये परेशानी मैं करने वाली हूँ दूर। अगर आपके पास सिंगर का ऑयल नहीं मिलता तो आपने कौन सा यूज करना है, कोई मसला ही नहीं है। मार्केट में मिलते हैं भाई दो तरह के ऑयल, एक होते हैं येलो और एक ऑयल होता है व्हाइट कलर में। तो मुझसे जो भी पूछते हैं कि हमने कौन सा यूज करना है, तो मैं कहती हूँ आम जो जनरल स्टोर पे हमें ऑयल मिलता है व्हाइट कलर में, आपने वो यूज करना है। तो सम जो कि होते हैं व्यूअर्स वो होते हैं परेशान कि कौन सा व्हाइट ऑयल जो होता है हमने यूज करना होता है, ठीक है ना। कुछ ऑयल होते हैं इस तरह का, इसका कलर आप देख लें थोड़ा सा ज्यादा डार्क येलो है, ठीक है, और एक थोड़ा सा लाइट है। तो आपने ये दोनों ऑयल अपने सिंगर की मशीन, यहाँ तक कि अपनी नॉर्मल स्विंग मशीन पे भी इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है। आपने यूज करना है नॉर्मल व्हाइट ऑयल। ये मैंने लिया है पंसार की दुकान। पंसार की दुकान कौन सी होती है, जहां से हमें हर्ब्स मिलती हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं और इस तरह की चीजें मिलती हैं, वहां से आपको इजीली ये मिल जाएगा। अगर जिनके पास पंसार की दुकान करीब नहीं है तो वो परेशान ना हो। जहां से हम लैसेस लेते हैं, अगर लैसेस वाली शॉप से भी नहीं मिलता, जहां से मोती मिलती है, ठीक है ना, पर्ल्स वगैरह, वहां से आपको इजीली ये ऑयल मिल जाएगा। और ये ऑयल है कुछ इस तरह से, आप ये भी देख लें, बिल्कुल व्हाइट है, ठीक है ना। ये मैंने ना इकट्ठा पंसार की दुकान से 100 रुपए का लेके रखा था और ये इतना था, और ये आराम से 3 मंथ हो गए मेरा सिर्फ इतना यूज हुआ है। इसके बाद बारी आती है कि हमारे हमें जो कि बाजार से मिल रहे हैं क्या वो ऑयल ठीक नहीं होते। हाँ, अगर आपको इस तरह के व्हाइट मिल जाते हैं तो आप वो लें। छोटी डब्बियों में होते हैं, अक्सर उनके लीक होने का खतरा होता है, हमें बहुत परेशानी होती है। तो आपको मैं प्रेफर करूंगी कि आप इस तरह की एक बोतल ले लें, आराम से आपको 30 रुपए की मिल जाएगी, 20 से 30 रुपए की आराम से मिल जाएगी। और अब तो इन बोतल्स में ऑयल आना भी स्टार्ट हो गया, आप इस तरह की ले लें। और आगे से परेशानी होती है कि इसके जो नोजल होते हैं वो बंद होती है, तो बाज लोग इसको कट कर देते हैं, इसका जो कि सुराख होता है नोजल का वो ज्यादा हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, अगर आपके पास इस तरह की नोजल है तो आप इसका एहतियात से किस तरह से सुराख जो है वो बड़ा कर सकते हैं। ये इस तरह के लिहाफ हम जिसे सीते हैं, इस तरह की नीडल्स तो होंगी ही, अब सर्दी आ रही है, हर किसी के घर में होंगी। और इसको आप देखें, ऑलरेडी इसको मैं यूज करती हूँ तो ये आगे से ये ब्लैक ब्लैक हो रही है, ये देखें हो रही है ना। तो आपने क्या करना है, लाइटर ले लें या फिर प्लास, ऐसे पकड़ें आप और आग पे गैस चूल्हे पे रखें इसको गरम, जब फुल हो जाए, जब गरम होगी तो इसको ये निशानी होगी, ये जगह फुल रेड हो जाएगी। जब फुल रेड हो जाएगी आपने प्लास को ग्रिप से पकड़ना है और इसको ऐसे सुराख कर देना है, ऐसे करके इसको हिलाएंगे या फिर जो के एक्सपर्ट हैं वो डायरेक्ट यहाँ से डाल के भी ऐसे कर लें, इसका होल हो जाएगा, ना बहुत बड़ा होगा ना ही बहुत छोटा होगा, ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट रह जाता है। तो इस तरह की आप नोजल, इस तरह की बोतल ले लें, इससे ऑयलिंग करें, बहुत बेस्ट रहता है। यहाँ तक कि जो कि हमारी सिंपल और सादा स्विमिंग मशीन होती है उनको भी प्रेफर करूंगी कि आप यही ऑयल जो है यूज करें। किन किन के पास ये मशीन है और इनकी वर्किंग, क्लीनिंग, ऑयलिंग के बारे में और टेंशन के बारे में परेशान है, कमेंट्स करके बताएं। इसके बारे में भी वर्किंग करके आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से, क्योंकि मेरी नॉर्मल रेगुलर यूज के लिए यही मशीन यूज होती है। अब मैंने नॉर्मल रेगुलर यूज के लिए 80 to 80 भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये थी मेरी वीडियो ऑयलिंग के बारे में, आपको प्रॉपर गाइड कर दिया है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर मजीद और इस तरह की आप वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको हर नया नोटिफिकेशन जल्दी से मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो है एम्ब्रॉयडरी फुट के बारे में और उसके इस्तेमाल के बारे में, हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियोस। थैंक यू, आपसे चाहती हूँ इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।